हाय गाइस, आज के वीडियो में हम क्वांट के ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने देखा है काफी एस्पिरेंट्स को क्वांट से काफी ज्यादा डर लगता है, लेकिन आपको इतना डरना नहीं है। इसे एक सब्जेक्ट की तरह लो। चाहे आप स्कूल कॉलेज में मैथ्स पढ़े हो ना पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम के हो हिंदी मीडियम के हो, नथिंग मैटर्स राइट नाउ। आप हर चीज सीख सकते हो, तो आप इसे एक न्यू सब्जेक्ट की तरह लो और इसको सीखने की पूरी कोशिश करो। ठीक है, देखो यार, बिना क्वांट के आपका एग्जाम निकलेगा तो नहीं। आपने अगर बैंक एग्जाम करने का सोचा है तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना तो पड़ेगा। पूरा का पूरा क्वांट छोड़ दिया तो आपका एग्जाम निकल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो जब आप पढ़ ही रहे हो तो क्यों ना हम इसे पूरा मन लगा के पढ़ें, इसके बजाय कि हम बेमन से पढ़ रहे हैं, है ना? आप इतना बेमन से पढ़ रहे हो, आपको नेगेटिव नेगेटिव फील होगा, आप इसे कभी नहीं सीख पाओगे। इट्स बेटर कि आप थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ और ये सोच के पढ़ो कि हो जाएगा। ठीक है, आप इसे कोशिश करो सीखने की। आज आप बिगनर हो, लेकिन आप डेली 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 प्रैक्टिस के साथ एक दिन आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे और आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा। ट्रस्ट मी, हर किसी को पहले दिन ये बहुत टफ ही लगता है, लेकिन बाद में करते 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 हर कोई एक प्रो ही बन जाता है कि यू बनते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसलिए आपको ये करना है। अच्छा, अब अगर आप एक बिगनर हो तो मेरे इस वीडियो से आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। और अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे तो मतलब आप कोई ना कोई तो गलती कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसमें से देख के पहचानो कि आप कौन सी गलती कर रहे हो और कोशिश करो उस चीज को करेक्ट करने की। जब तक करेक्ट नहीं करोगे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो है कि स्क्वायर्स 1 to 40, क्यूब्स 1 to 20, टेबल 1 to 20 एंड फ्रैक्शन वैल्यू 1 to 20। ये चीजें आपको टिप्स में याद होनी चाहिए, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। मतलब अगर 1/3 कितना परसेंटेज है तो वो आपको पता होना चाहिए, 100/5, 100/6, हर चीज की वैल्यू आपको अच्छे से टिप्स में रटी होनी चाहिए। और इसको आप कैसे याद करोगे? इसको आप डेली लिख लिख के याद करोगे। डेली लिखना है, और डेली मतलब जब आप डेली क्वांट पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले इसको लिख के ही स्टार्ट किया करो। ठीक है, डेली लिखो और लिख के प्रैक्टिस करो। जहां आप रुकोगे आपको पता चल जाएगा कि मेरे को ये याद नहीं है, और उसको वापस पढ़ो, वापस नेक्स्ट डे लिखो। ऐसा करते करते आपको ये डेली बन जाएगा और आपको ये इतने अच्छे से याद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आपका बेस है पूरे क्वांट का, तो ये आपको अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार चीज। और हाँ, आपको ट्रिक सीखनी है। ट्रिक किसकी सीखनी है मैं बता रही हूँ, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये चार चीज की मैंने ट्रिक सीखी थी। उसके अलावा बाकी सब तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मल्टीप्लिकेशन सब कुछ मैं अपने स्कूल वाले मेथड से ही करती हूँ। तो ये चार चीज की आप ट्रिक सीख लो, क्योंकि ये सीखना जरूरी है। ये आपको काफी हेल्प करेगा, आपको 2 डिजिट, 3 डिजिट का स्क्वायर, क्यूब, ये सब निकालना थोड़ा आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डेली आपको करना है स्पीड मैथ्स का पोर्शन। स्पीड मैथ्स में ये है कि जो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज, ये सारी चीजें जो आती हैं, ये आपको डेली 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 प्रैक्टिस करना है। और ये आप प्रैक्टिस कहां से कर सकते हो? कोई भी पीडीएफ से अगर आपको मिल जाए तो, नहीं तो क्विजेस तो है, क्विजेस बेस्ट ऑप्शन है प्रैक्टिस मॉक और अड्डा के, तो आप क्विजेस से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा तो आपको डेली कम से कम 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक का लगाना है। ठीक है, डेली आपको प्रीलिम्स के डीआई भी सॉल्व करने हैं। आपको डीआई का पता होना चाहिए कि अगर किस तरह की डीआई आई तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, रेडार ग्राफ है या लाइन ग्राफ है, किसी तरह का ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे फटाफट नोट डाउन करना है, सॉल्व करना है, या मैं डायरेक्टली चार्ट से देखने वाला हूं, या आपको अपना अप्रोच इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ एक चीज मैं बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो प्रीलिम्स में आता है ओनली 2 रूट्स वाला आता है, प्लस माइनस करके जो आप निकाल लेते हो, लेकिन जो मेंस में आता है वो जनरली फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा आता है, पीओ मेंस में स्पेशली, और वो माइनस बी बाई ए मतलब सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सब उसमें ज्यादा आता है। तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो तो कोशिश करना ये सब पूरा कवर कर लो। ठीक है, सिर्फ प्रीलिम्स लेवल का करके मत छोड़ना, क्योंकि मेरे को काफी लेट पता चला था कि मुझे ये भी पढ़ना है और मुझे वापस जाके पढ़ना पड़ा था ढूंढ के। तो इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूं कि ये चीज आप कर लो, पहले से ही पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना टॉपिक कवर करके चलना। ठीक है, एक चीज और कि नंबर सीरीज अगर आप देखो ना तो थोड़ा सा लॉजिक बेस ज्यादा होता है उसमें, दिमाग लॉजिक का यूज ज्यादा होता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा उसे फेमिलियर होगे। तो नंबर सीरीज का भी आपको ये रखना है कि आप डेली उसको डेडिकेटली अलग से टाइम दो। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों बनाओ डेली, 10-10, 15 क्वेश्चन दोनों टॉपिक के बनाओ। और इसको कोशिश करो कि जितना ज्यादा फेमिलियर हो सको उतना अच्छा है, बिकॉज एग्जाम में उतना जल्दी वो चीज पकड़ में आती है कि कौन सा इसमें पैटर्न यूज हुआ है। अगर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां जाके फॉर श्योर अटकोगे, तो ये आपको नहीं करना है। और कोशिश करना है कि नंबर सीरीज में अच्छे से थोड़ा ध्यान दो। थोड़ा टफ लगता है ये स्टार्टिंग में, लेकिन ये धीरे से वक्त के साथ आपको ईजी लगने लगेगा। ठीक है,
ओके मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बिगनर हो या कोई भी है, आपके लिए गाइडेड पीडीएफ का ये अच्छा ऑप्शन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो, क्योंकि इसमें डेली वाइज का आपको वो मिलता है कंटेंट, और अगर आपसे नहीं बन रहा तो उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है, तो क्या वहीं के वहीं आप सीख लेते हो कि हाँ आप क्या गलती कर रही थी और टीचर ने कैसा सिखाया है। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है, आप चाहो तो परचेज करके इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा हो गया स्पीड मैथ्स का पोर्शन, हमने कर लिया कैलकुलेशन पोर्शन अच्छे से कर लिया। इसके बाद हमने मतलब बेसिकली यहाँ पे काफी सारा हमारा प्रीलिम्स का पोर्शन कवर हो चुका है। यहाँ पे आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छे से होगा। देखो एक चीज और है कि अगर आप कैलकुलेशन अपनी बहुत स्ट्रांग कर लेते हो तो उसका एडवांटेज आपको सिर्फ प्री में नहीं मेंस में भी देखने को मिलता है, क्योंकि मेंस में जब आपको एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को आपने कॉन्सेप्ट लगा के दिमाग लगा के उसको पकड़ लिया कि उसको सॉल्व कैसे करना है। अब जब आप सॉल्व कर रहे होगे तब आपको कैलकुलेशन ही तो करनी है, तब आप जितना स्पीड में कैलकुलेशन कर सको उतना बाकियों से ज्यादा बना पाओगे, नहीं तो लोग स्टक कर जाते हैं उसमें भी। तो ये कहीं ना कहीं आपको मेंस तक हेल्प करने वाला है, तो इसको आप मेंस तक छोड़ना मत। कैलकुलेशन आपको डेली डेली करना है, चाहे आपका एग्जाम निकले नहीं निकले, ये सब आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। जिस जब छोड़ोगे ना, एक हफ्ता हुआ नहीं छोड़ते कि स्पीड कम हो जाएगी। मैं की थी, मेरे को लगा था यार हो तो गया है, जरूरत नहीं है और करने की, और मेरी स्पीड कम हो गई थी, मुझे साफ डिफरेंस देखने को मिला था। प्री में भी मेरी स्पीड कम हो गई थी और ओवरऑल भी, तो इसलिए फिर मैंने इसको कभी नहीं छोड़ा करना। तो आपको भी ये नहीं छोड़ना है, चाहे आप इसमें कितने ही अच्छे क्यों ना हो जाओ, उसके बाद भी इस चीज को करना। 5-10 मिनट लगेंगे मुश्किल से डेली के, हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अरिथमेटिक के ऊपर। तो अरिथमेटिक करने का, अगर आपको अरिथमेटिक अच्छे से नहीं आती है तो ये करने का मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच बता रही हूं, इसे थोड़ा ध्यान से सुन लो। ठीक है, देखो अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, सबसे पहले तो आपको एक एक टॉपिक वाइज उठा के अरिथमेटिक को कंप्लीट करना है। तो जैसे कि सबसे पहले आपने आज ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया, सबसे पहले आप उसका कॉन्सेप्ट समझोगे, उसमें क्या फॉर्मूलाज है, क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो तो प्रॉफिट क्या होता है पता होना चाहिए, लॉस क्या होता है पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं 10 रुपए की एक पेन ले रहा हूं, मुझे 5 रुपए अपने लिए कमाने हैं तो मुझे उसको 15 में बेचना पड़ेगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, जब आपको चीजें समझ में आ रही होती है। ये नहीं कि सिर्फ एसपी माइनस सीपी कर लो तो प्रॉफिट आ जाएगा, ये फॉर्मूला तो बहुत लोग याद कर लेंगे, लेकिन आपको एक्चुअल में ये पता होना चाहिए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये ना तब जब मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो आपको समझने में हेल्प करता है कि हाँ बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, उसको आप अपने से कॉम्प्रिहेंड कर लेते हो। ठीक है, तो जब आपको कॉन्सेप्ट कवर करना है तो आपको इसी तरह से करना है। आपको कोई भी टीचर जो पढ़ाएगा आई थिंक वो ऐसे ही पढ़ाएगा, अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके। तो आपको कोशिश करनी है कि सबसे पहला स्टेप होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपना। अब वो कॉन्सेप्ट आप समझ तो लिए, अब आप उसको भूलना तो है नहीं, ऐसा तो नहीं सीख के भूलना है। तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के कम से कम 50 से 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। 50 to 100 क्वेश्चंस उस टॉपिक के लगाओ, हर तरह के लगाओ। ज्यादा मत सोचा करो कि लेवल 1 है, लेवल 2 है, कौन सा लेवल है, हाई लेवल है, डजंट मैटर। एक क्वेश्चन आया है तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके उसको सीखना, उसको सीखना कि कैसे करते हैं, एक न्यू अप्रोच सीखना, ये आपकी ड्यूटी है एज एन एस्पिरेंट। तो कोई भी क्वेश्चन आए बस सॉल्व करने पर ध्यान दिया करो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हुआ आपका कि आपने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्ट को सॉल्व करके अपने माइंड में हर चीज क्लैरिटी से बैठा लिया। हाँ, अगर आपके 50-100 क्वेश्चन लगा के भी वो कॉन्सेप्ट कवर नहीं हुआ है, नहीं समझ आ रहा अभी, तो 50 क्वेश्चन और लगाओ। अपने आप को एक हफ्ता एक्स्ट्रा दो उस टॉपिक में। ऐसा मत सोचो कि एक हफ्ते से कर रहा हूं अभी तक आया नहीं, ऐसा नहीं। एक हफ्ते से कर रहे हो अभी तक नहीं आया तो एक हफ्ता और दो, ठीक है, और एक हफ्ता दो और उस चीज को अच्छे से सीख लो। एक बार इतना अच्छे से सीख लो कि फिर वो उसमें कोई डाउट्स ऐसे बचे नहीं। ठीक है, ये प्रैक्टिस आप कर लो। और ये सेकंड स्टेप के बाद जब आपने हर टॉपिक का इस तरह से कर लिया, पहले पीए प्रॉफिट लॉस कर लिया, एसआईसीआई कर लिया, तो ऐसे करके आपने हर टॉपिक को पहले कवर कर लिया, आपका अरिथमेटिक का पूरा सिलेबस कवर हो गया। थर्ड स्टेप आपका होगा कि अब आप क्या करोगे, अब आप सब कुछ कवर कर चुके हो, टॉपिक वाइज अलग अलग से पढ़ चुके हो, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको डेली क्वेश्चंस में जो अरिथमेटिक सॉल्व करनी है वो हमेशा मिक्स्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने। मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करने है मतलब अगर आप 10-20 क्वेश्चन लगा रहे हो डेली के, तो वो 10-20 क्वेश्चन में हर टॉपिक के एक एक दो दो क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम के एंड तक डेली क्वांट की प्रैक्टिस करनी है, डेली अरिथमेटिक की प्रैक्टिस करनी है, आप छोड़ नहीं सकते। तो आप ये नहीं करोगे कि एक एक हफ्ता एक एक टॉपिक तक घिस रहे हो और एग्जाम तक यही कर रहे हो, आपको ये नहीं करना है। आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हमेशा। एक बार सीख लो, सीखते तक आप टॉपिक वाइज करो, बाद में आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, दिन के 3 या 4 क्विजेस लगा लिए, 30-40 क्वेश्चन, एक क्विजेस में 10 क्वेश्चन होते हैं एक क्विज में, तो 30-40 क्वेश्चन आपके वहां से कवर हो गए। 30-40 क्वेश्चन में हर टॉपिक के आपको एक एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। डेली आपका हर टॉपिक ब्रश होता रहेगा तो आपको कभी उसमें डाउट्स नहीं आएंगे, कभी आप भूलोगे नहीं फॉर्मूला वगैरह कुछ भी।
डेली का कवर हो जाएगा वो, ठीक है। आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो आप कहाँ से पढ़ोगे? कॉन्सेप्ट आप या तो अपने पेड कोर्स अगर आपने लिया है तो अपने टीचर से पढ़ो, ठीक है, आपका टीचर आपको बेस्ट पढ़ाएगा। अगर आप नहीं ही पेड कोर्स लिए हो, आपको यूट्यूब से करना है तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। तो एक तो अंशुल सैनी सर की प्लेलिस्ट है और एक अड्डा का भी जीरो टू हीरो ये प्लेलिस्ट है, आई थिंक ये भी बिगनर्स के लिए पूरा अरिथमेटिक का कोर्स है, तो आप जाके देख लेना। और कोई दूसरा सोर्स मिले तो वहां से कर लेना, लेकिन आपको टॉपिक पूरा ऐसे ही कंप्लीट करना है। मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप अपना हर चीज कवर कर लोगे और आपको कॉन्सेप्ट में डर लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद, इतना कवर करने के बाद आपको कैसे डर लग सकते हैं यार, तो इतना मेहनत करो, ठीक है, इतना करने के बाद आपको हो जाएगा। हाँ, जो आपको 50-100 क्वेश्चंस के जो मैंने प्रैक्टिस करने बोला, वो अगर आपको कोई पीडीएफ मिलती है पीडीएफ से कर लो, अड्डा की बुक है तो अड्डा की बुक है तो उससे कर लो। अड्डा की बुक का, अड्डा की बुक में आपको ये टेलीग्राम में भी मिल जाएगी आई थिंक, अड्डा की बुक, तो यहां से कर लो, मतलब जहां से मिले वहां से कर लो। क्विजेस तो बेस्ट ऑप्शन है, आप जाके क्विज ही लगा लो, फ्री में हर चीज उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक चीज मैं बोलूंगी कि क्वांट या फिर बैंक एग्जाम के सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। आप जितना प्रैक्टिस मांगोगे उतनी आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, जितनी क्लैरिटी बढ़ेगी आपका उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो इस तरह से आप करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। कॉन्फिडेंस आ गया तो आपका ना एग्जाम रुकेगा ना कुछ, ठीक है, आप हर चीज अच्छे से कर ले जाओगे। आपको डेली करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। और एक चीज मेंस, इसके बाद आप अपने मेंस का भी इतना कोर्स खत्म करने के बाद आप अपने मेंस का भी कोशिश करो कि डेली आपने क्वेश्चंस लगाए हैं मेंस लेवल का, डीआई वगैरह लगाना चालू करो अपने फैकल्टी के साथ मिलकर। आपका जो भी फैकल्टी है आपको वो डेफिनेटली कराएंगे। कोई भी टीचर ऐसे नहीं होते कि सिर्फ प्री की पढ़ाई करा रहे, वो लोग मेंस का खुद से कराते हैं, बस आपको भी साथ में करना है। बाकी मेंस का क्या अप्रोच होना चाहिए इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, डेडिकेटली डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी मेंस के लिए कि मेंस में क्या आपकी अप्रोच रह सकती है, मेंस में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्यों मेरे मेंस में कैसे मार्क्स रहे, मतलब मैं आपको शेयर करूंगी डेफिनेटली मेंस का एक वीडियो बना के। फिलहाल के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि जनरली क्या होता है, मैंने देखा है कि जो हम एस्पिरेंट्स होते हम जनरली जब दूसरों को देखते हैं, दूसरों के मार्क्स ज्यादा देखते हैं, तो हम उनको देख के ये सोचते हैं कि यार मेरे से तो नहीं होगा, ये तो उसी से हो रहा है। मतलब आप मेरे से नहीं होगा बोल के ना अपना लेवल डाउनग्रेड कर देते हो। तो ये आपको कभी नहीं करना है। कभी भी दूसरों को देख के डिमोटिवेट नहीं होना है कि बस वो से ही हो रहा है, वो ही टॉपर है, वो ही इंग्लिश मीडियम का है, मुझसे तो हो नहीं रहा, मैं तो नहीं कर पा रहा। आपको कभी ऐसा अप्रोच नहीं रखना है। आप दूसरों को इतना अपग्रेड और खुद को इतना डाउनग्रेड क्यों कर देते हो, ये सही अप्रोच नहीं है, ठीक है। अगर आप दूसरों को देखते हो ना तो उनसे इंस्पायर हुआ करो। अरे आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि अगर वो कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर लूंगा यार, मतलब मैं इस दुनिया का इंसान हूं, मुझसे क्यों नहीं होगा अगर उससे हो रहा है तो। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते, आप एक पॉजिटिव अप्रोच क्यों नहीं रखते? तो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच ही रखनी है। कभी भी दूसरों को देख के डिमोटिवेट मत हुआ करो कि वो ही टॉपर है, उसी से हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा। आपसे भी होगी हर चीज, आप भी उतने ही केपेबल हो जितना कोई दूसरा केपेबल है, ठीक है। मैं ये सारी चीजें क्यों बोलती रहती हूँ, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी चीजें रीड करती हूँ, मैं सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करती हूँ। एक टाइम पे मैं भी बहुत ज्यादा नेगेटिव थी अपनी, इवन जब तैयारी स्टार्ट की थी एग्जाम के लिए तो बहुत नेगेटिविटी के साथ ही की थी, और ऐसे लगता था कि एक गवर्नमेंट जॉब की एक सीट लेना बहुत टफ टास्क है, मतलब कैसे होगा और मुझसे कैसे होगा। हम तो एक ऐसे एवरेज स्टूडेंट हैं जो अपनी लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं किया आज तक, और हमारे लिए ये सोचना कि हम एक जॉब ले पाएंगे वो सोचना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, राइट। लेकिन हमको अगर उसको अचीव करना है तो हमको एक्चुअल में चेंज होना पड़ेगा, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लानी होगी, तभी हम उसको पा सकते। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं अच्छी चीजें रीड करती रहती हूँ, तो वो सब रीड करके बुक्स, अच्छी बुक्स रीड करके मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार इस दुनिया में ना हर एक इंसान हर चीज कर सकता है। और जब मैंने चैनल ये बनाया था तो मेरा चैनल बनाने का मोटिव ही ये था कि मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं कि आप भी हर चीज कर सकते हो। मुझे पता है एज एन एस्पिरेंट हमारे मन में कितनी नेगेटिविटी चलती होती है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, और स्पेशली जब 2-3 साल हो जाते हैं तैयारी करते करते, तो वो नेगेटिविटी बढ़ जाती है, राइट। हमको अपने ऊपर से ट्रस्ट हटता जाता है। तो मैं इसी चीज को आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी हर चीज कर सकते हो। मैंने रीड की है, मैं जानती हूँ कि आप कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, हर कोई हर चीज कर सकता है, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।